लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पनवेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश पाटिल के जन्मदिन पर उपाध्यक्ष आर्यन यादव ने अनाथ बच्चों के बीच फल और खाद्यान्न का वितरण किया। इस अवसर पर खुद जिलाध्यक्ष सतीश पाटिल भी मौजूद थे। उन्होंने खारघर के गिरजा अनाथ आश्रम में केक काटा और बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। अनाथ बच्चों के बीच जन्मदिन मनाने पर खुशी जाहिर करते हुए एनसीपी नेता सतीश पाटिल ने राका पदाधिकारियों के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने उनके जन्मदिन पर अनाथालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पनवेल जिलाध्यक्ष सतीश पाटिल के जन्मदिन पर आज पार्टी पदाधिकारियों ने सामाजिक उपक्रम चलाया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष आर्यन यादव के नेतृत्व में खारघर के अनाथालय गिरजा वेलफेयर ट्रस्ट में अनाथ बच्चों को फल बांटे गए। यहां खुद जिलाध्यक्ष सतीश पाटिल ने अनाथ बच्चों के बीच केक काटा और शुभकामना स्वीकार की। सतीश पाटिल ने जन्मदिन पर अनाथ बच्चों में मदद और फल वितरण पर खुशी जताई। उन्होंने पदाधिकारियों का भी आभार जताया। मोठे आमचे साहेब शरद पवार साहेब का 80% समाजकरण करा आणि 20% राजकारण करा या दृष्टीने आमची टीम चालली। मला या टीमचा अभिमान आहे। ह्या जे असेच सतत काम करत राहा, लोकांशी संपर्कात राहा। पवार साहेब म्हणाले, लोकांशी संपर्कात राहा तुम्ही, करोना काळ आहे, स्वतःची काळजी घ्या आणि लोकांच्या संपर्कात राहा आणि अडीअडचणीला गोरगरिबांना जे काही असतील मदतनीस, करोना काळ ज्यांना अडचण असेल त्याला मदत करण्यासाठी भूमिका ठेवा, निश्चितच परमेश्वर तुमच्या पाठीशी राहील। इस अवसर पर भाऊसाहेब लबड़े समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। अपने जिलाध्यक्ष जन्मदिन को अनाथ बच्चों के साथ मनाने की पहल करने वाले पनवेल शहर जिला उपाध्यक्ष आर्यन यादव ने सतीश पाटिल को बधाई देते हुए उनके कार्यों का गुणगान किया। उन्होंने जनसेवा कार्यों में सदैव मदद की भी अपील की कि आज ये कार्यक्रम कोरोना के समय में बहुत ही कम कार्यकर्ताओं के बीच में मनाया गया कि सतीश पाटिल जी के लिए जो हमने जन्मदिन हमने मनाने का काम किया, बच्चों में हमने अनाथालय में हमने जो बांटना है बांटे, फ्रूट बांटे, जो भी बांटे। महत्वपूर्ण ये है कि सतीश पाटिल जी यहाँ उपस्थित हुए, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ा, खारघर का मान सम्मान बढ़ा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी मान सम्मान बढ़ा। हमें ये विश्वास है कि जब भी हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे ये ऐसे ही उपस्थित होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।